नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन जिसके लिए अप्लाई आप लोगों ने किया था और उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड आप लोग बहुत सारा सवाल मुझसे पूछ रहे थे, तो आज मैं जो आपका डाउट था, जो आपके मन में था कि कब तक एडमिट कार्ड आएगा, कब तक हमारा टेस्ट होगा, तो सब कुछ क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए पूरा, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो मैट्रिक रिक्रूट म्यूजिशियन 2019 बैच का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छे से है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आते हैं। देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड PSB एंड फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड FSB। यानी कि आपका ये जो दोनों है PSB और FSB, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है मेरिट में आपका नाम, ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस के ऊपर, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं हम, तो देखते हैं कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड विल बी कंडक्टेड इन टू फेजेस। इन द फर्स्ट फेज वेरिफिकेशन ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, म्यूजिक सर्टिफिकेट, यानी कि दो फेज में होगा। पहला होगा PSB यानी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड, और दूसरा होगा फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ए में देखते हैं, ए वाले सेक्शन में, तो देखिए, द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड इज टेंटेटिवली टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 10 July 2019। यानी कि आपका जो है पहला, यानी PSB जो होगा उसकी डेट दी गई है 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में। इस डेट के बीच में ही आपका लिया जाएगा, यानी कि आज हो गए हैं 28 जून आज की डेट है, और अभी से लगभग आपका 7 से 8 दिनों का टाइम बचा है इसके लिए। तो लगभग अगर बात करें हम एडमिट कार्ड के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो 1 से 2 दिन, जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि आपको इस टाइम तक आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, तो 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि 6 से 10 जुलाई के बीच में आपका जो पहला होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो बस आप लोग घबराओ मत, वेट कर लो कुछ दिन, आपने अप्लाई करा है और आप एलिजिबल होंगे उनके लिए, तो आपका जरूर एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा आपका फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट, वो देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 6 सितंबर के बीच में दूसरा आपका फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहला होगा 6 से 10 जुलाई के बीच में, दूसरा होगा 3 से 6 सितंबर के बीच में। तो बस आप लोग वेट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जून या फिर जुलाई के जो 1 या 2 जुलाई तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे पहले ही आने की ज़्यादा ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही क्लियर करना था, और कुछ है नहीं। बाकी आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं, पहले भी मैं बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट कर देना मुझे, या फिर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।